नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सहायक और सहायिका का पटना में इन लोगों की मांगों रद्द किया गया, उसी के मैटर में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एटक का मार्क प्रतिरोध निकला हुआ है और गेट पर ये लोग आंदोलन किए हुए हैं। आइए अब यहाँ के नेतागण से हम बातचीत करते हैं। अभी धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य क्या है? ये प्रतिरोध मार्च है और हम लोग यह प्रतिरोध मार्च बलराम भवन से निकाल करके जिला पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आए हैं। ये सेविका सहायिका जो पूरे बिहार के अंदर हड़ताल में है अपने 500 सूत्री मांगों को लेकर, और उनके ऊपर जो सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, पटना में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया, हमारी सेविका को काफ़ी कठिनाइयों का सामना पटना में करना पड़ा और ऊपर से हमारी हड़ताली सेविका का चयन रद्द किया जा रहा है। इसके विरोध में आज एटक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम लोगों ने ये प्रतिरोध मार्च निकाला है। जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण और DPO ICDS पश्चिम चंपारण को हम लोगों ने स्मारक पत्र देकर के मांग किया है कि ये चयन रद्द की प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए, हड़ताली सेविका सहायिका से सम्मानजनक समझौता किया जाए, किसी भी सेविका और सहायिका को हड़ताल तोड़ने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए। यदि किसी सेविका सहायिका के साथ अप्रिय घटना घटती है मानसिक प्रताड़ना के कारण, तो उसके लिए सरकार और अधिकारी जिम्मेवार होंगे और इनके खिलाफ हम लोग संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। आज हम लोग इसी सवाल पर प्रतिरोध मार्च निकाल करके और एटक की ओर से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम लोगों ने सेविका और सहायिका के मांगों का समर्थन किया है और सरकार से हम कह रहे हैं कि सरकार अविलंब हड़ताली सेविका सहायिका के प्रतिनिधियों से वार्ता करें, इनको सम्मानजनक मानदेय इनको दिया जाए। इस महंगाई में इनको मात्र 5950 रुपया पर काम करना पड़ता है, जो महंगाई में एक आदमी का भी पेट भरने के लायक नहीं है, लेकिन हमारी सेविका से दर्जनों काम लिए जाते हैं, 14-14 घंटा काम लिए जाते हैं। जो काम समाज कल्याण विभाग के दायरे में नहीं आता है वो काम भी लिया जाता है, वोटर लिस्ट बनवाने का काम, बूथ पर जा करके काम करना, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना, ये सारे काम जो हमारी सेविका के दायरे के अंदर नहीं आते हैं, ये सारे काम भी हमारी सेविका से लिए जाते हैं। और इस महंगाई में जब हमारी सेविका अपना मानदेय बढ़ाने का मांग कर रही है, सहायिका हमारा मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है, तो ये मजदूर विरोधी जो सरकार है, ये सरकार उनके ऊपर दमन चक्र चला रही है, लाठी चलवा रही है, वाटर कैनन से पानी फेंकवा रही है और थोक भाव में अभी तक लगभग 15,000 से ऊपर सेविका सहायिका का चयन बिहार के अंदर रद्द किया गया। हम ये कहने आए हैं इस प्रतिरोध मार्च से कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के समाज कल्याण मंत्री जी, ये बिहार के अंदर जो आप सेविका और सहायिका के साथ जो नाटक और ड्रामा खेल रहे हैं, इसको बंद कीजिए, नहीं तो आने वाले 2024 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में आपके लिए भारी पड़ेगा। इसलिए हम ये चेताने आए हैं इस प्रतिरोध मार्च के माध्यम से सरकार को, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सेविका और सहायिका के साथ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और छठ के बाद इस सरकार के इसके आमने सामने की लड़ाई हमारी सेविका सहायिका बहने करेंगी और हमारा एटक हमारी सेविका सहायिका के साथ रहेगा, हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सेविका सहायिका के साथ रहेगी। आपका क्या नाम? रंजना। आप ही सेविका है? जी नहीं, एटक के सदस्य। एटक के सदस्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हम लोग को मांग सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ट्रेन जाम करेंगे, अगर समय पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम तैयार हैं। ये सेविकाओं का नहीं है, इसमें एक भी सेविका नहीं है।